हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैच मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जीआरएम कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बैच मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए परचेस ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैच मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जीआरएम कैसे करते हैं परचेस ऑर्डर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में। तो इसके लिए आपको सिंपली मीगो टी कोड में चले जाना है। MIGO टी कोड का नाम है। इस टी कोड को आप रन करते ही आपके सामने मीगो जीआरएन का इनिशियल स्क्रीन शो कर रहा है। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गुड रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ परचेस ऑर्डर, क्योंकि हम जो बेच मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड रिसिप्ट कर रहे हैं। तो जो परचेस ऑर्डर आपने बेच मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए क्रिएट किया था उसको यहाँ इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप देखेंगे उस परचेस ऑर्डर का सारा डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बेच नंबर इंटर करना, जो उस मटेरियल के लिए आपने जो बेच क्रिएट किया है। यहाँ से आपको बैच सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने बैच सेलेक्ट कर लिया। बैच सेलेक्ट करने के बाद इसको एक बार इंटर प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आप बैच का सारा डिटेल देख सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चर डेट कब है और सेल्फ लाइफ एक्सपायर डेट कब है, यहाँ पे आप उसका डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन को ड्रॉप डाउन करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे एक आइटम ओके का फील्ड है, इस फील्ड को चेक बॉक्स कर लेना है। फिर आपको चेक में क्लिक करना है। चेक में क्लिक करने से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है या कुछ डाटा फिल नहीं हुआ है तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर डॉक्यूमेंट ओके है तो यह प्रोसेस को आगे बढ़ाने दे देता है। इसके बाद आपको सिंपली पोस्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट को पोस्ट क्लिक करने से आपका जो जीआरएन है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो जीआरएन क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आप बेस मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जीआरएन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप इस बेस मैनेजमेंट का रिपोर्ट परचेस ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आपको परचेस ऑर्डर का डिस्प्ले में चले जाना है। परचेस ऑर्डर डिस्प्ले का टी कोड ME23N है। परचेस ऑर्डर में जाने के बाद आपको परचेस ऑर्डर में जाने के बाद आपने जो परचेस ऑर्डर क्रिएट किया था उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको जो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री है, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री का टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब को क्लिक करेंगे आपने जो जीआरएन क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इस तरह से आप जो जीआरएन किए हैं उसका परचेस ऑर्डर में देख सकते हैं या परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।